सरलीकरण व्यवस्था करा मार्क पाई अर्थात नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट गुड़ी करे 20 मार्क रो इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन कर दिया जाय छी एवं तापाई मध्य 100 मार्क रो पर्सन मध्य रो 20 मार्क रो पर्सन निर्धारण कर दिया जाय छी एवं एनुअल एग्जाम को 80 मार्क करा जाय छी एवं 100 मार्क रो पर्सन भीतर 20 मार्क रो पर्सन कटि गला पर जति की पर्सन रहबो सेति को 80 मार्क पई त माने परीक्षा देबो एवं 20 मार्क त माने कॉलेज रे ही एग्जाम देबो तुम निज टीचर माने तुम मानको प्रश्न करिवे तुम माने यथा समय रे परीक्षा देबो जे भली भाव रे काउंसिल तरफ निर्धारण कराय छि डिसेंबर 26 रु 30 तारीख मध्य रे तुमर 20 मार्क असेसमेंट परीक्षा सरी जीवो एवं तापर प्रैक्टिकल परीक्षा जनवरी 2 रु 15 भीतर हेबो एवं बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी 15 रु आरंभ होई मार्च 20 मध्य सरी तत्परवर्ती समय रे यथा समय रे मूल्यांकन होई तुमर रिजल्ट डिक्लेरेशन हो पे व्यवस्था हेबो तंकर एही चैनल तरफ रु एमएल संस्कृत रो 80 मार्क रो पोर्शन एवं क्वेश्चन पैटर्न उपरे आज रो एपिसोड रे डिस्कशन करा जीवो जेहेतु पूर्व एपिसोड रे तमानन को पई 20 मार्क रो असेसमेंट रो पोर्शन एवं क्वेश्चन पैटर्न डिटेल्स जणाई दिया जाय छी त आज 80 मार्क उपरे हमें फोकस करिवा आज रो एपिसोड रे एही 80 मार्क रे पोर्शन अमर कोन रहिला ना पोर्शन रहिला अमर गद्य भाग रो कपोतलुद्धक कथा गुणी गुणहीन विवेक दुईटी गल्प एवं राम तपवनाभिगमनम एकांकिका ए तीनोटी गद्य भाग रो एवं पद्य भाग रो रघुवंशम कालिदास रचित प्रथम सर्ग रो 1 रो श्लोक नंबर 30 पर्यंत एवं जयदेव रचित गीत गोविंद रु आसीथिबा दशावतार स्तुति श्लोक नंबर 1 रु 12 पर्यंत एतद् व्यतीत किछि विषय बहिर्भुक्त व्याकरण किछि विषय अंतर्भुक्त व्याकरण यथा विषय अंतर्भुक्त व्याकरण कहिले संधि संधि विच्छेद सकारण विभक्ति विषय बहिर्भुक्त व्याकरण कहिले शब्द रूप धातु रूप समास एतद् व्यतीत अमर अछि कॉम्प्रिहेंशन मिलिणिचे अनुच्छेद बही रे थिबा नॉर अनुच्छेद रु 16 पर्यंत कारण फर्स्ट ईयर रे 8 टी अनुच्छेद अछि एवं सेकंड ईयर रे 8 टी अनुच्छेद तें करे अनुच्छेद नंबर 9 रु 16 या सेकंड ईयर पई उद्दिष्ट ता मध्ये तुम ए विषय अंतर्भुक्त अटे प्रश्न अंतर्भुक्त एतद् व्यतीत तुम माने जानि जो अनसीन पैसेज गोटे आसे जहां आमे प्रेसी राइटिंग करिया को पड़े वन थर्ड करी से मध्य विषय बहिर्भुक्त प्रश्न अटे प्रश्न अंतर्भुक्त एवं विषय बहिर्भुक्त विषय वस्तु अनसीन जेहेतु कह दउची तले आमी जीवा एही 80 मार्क रो क्वेश्चन पैटर्न एमएल संस्कृत रे केवळ परीक्षा आसीबो ता उपरे आलोचना करिवा प्रथमे कहउचे तमरो गोटिए वाक्य संबोलित बा गोटिए वर्ड संबोलित बा एमसीक्यू बा निर्वाचन धर्मी प्रश्नोत्तर ता फिल इन द ब्लैंक्स हे की पाखरे तीनोटी बा चारोटी ऑप्शन आंसर थिबो कोटा ठीक भाबरे सेठरे पूरण करा जीवो से भले आंसर करिवो बा प्लेन फिल इन द ब्लैंक सही परे एई भली विभिन्न प्रकार क्वेश्चन से ठरे दिया जाई परिवो तमरो लिटरेचर एवं ग्रामर पर्सन मध्य रु जहां से ठरे उद्दिष्ट अछि टोटल मार्क्स 40 अर्थात ग्रुप ए रे तमे 40 मार्क फेस करिवो जो 40 मार्क रु 20 मार्क तमरो एमसीक्यू क्वेश्चन रहिवो से लिटरेचर रो हो ग्रामर रो हो मिसी की 40 मार्क क्वेश्चन डिफरेंट डिजाइन रे रहिबे किंतु 20 मार्क त अदर एमसीक्यू रहिबा पई बाध्यता मूलक भाबरे निर्धारण करा जाय छै तले से 20 मार्क भीतर हमर कोन कोन आसी परिबो प्रोज एंड पोएट्री प्रोज तीनटा पोएट्री दीटा आ भीतर हमर क्वेश्चन रहिबो 20 टी 20 मार्क 1 मार्क पीच हम जानिया दरकार ते ग्रुप ए रे कोनोसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रो बेनिफिट दिया जिवो नाही छात्र छात्रि मानन को पई तेगुरी ए 40 मार्क तम पई
बहुत वैल्युएबल भल भाव तुम बही सैंपल पेपर गाइड एवं ए चैनल को भल भाव फॉलो कर चालीस मार्क को चालीस पाइबार किसी असुविधा तुम माना रही किंतु ये 40 मार्क रे कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं तदरु 20 मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन रही गला तले प्रोज पोएट्री र 10 10 मिसी 20 मार्क क्वेश्चन तापर अछि शब्द रूप 4 मार्क धातु रूप 4 मार्क जति कि तमर पर्सन अछि एमएल संस्कृत रे शब्द रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग सर्वाधिक शब्द संख्यावाचक शब्द पुल्लिंग शब्द ए समस्त भितरु रूप पढिबो तमे रूप लिख गोटे पद लिखा जाए चार धातु रूप जो सतटी अच्छे रूप पड़े गोटे 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 मार्क हिसाब से चार अर्थात शब्द रूप चार धातु रूप चार आमास जहाँ विषय बहिर्भुक्त व्याकरण कहु तीन मार्क आसपुर अच्छे तुम स्त्री प्रत्यय यह तुम तीन मार्क अच्छे तापरे अच्छे कारक व्यक्ति सकारण व्यक्ति निर्णय ताहा तीन मार्क एवं तापरे अच्छे संधि बा संधि विच्छेद ये तीन मार्क ताले एठी हमें देखिले 20 मार्क लिटरेचर रु आसेला प्रोज दस मार्क पोएट्री दस मार्क एवं ग्रामर भितर आसीगला चार मार्क चार मार्क तीन मार्क तीन मार्क तीन मार्क तीन मार्क ताले चार चार आठ तीन एगार तीन चौदह तीन सतर तीन कोड़े मार्क ताले ग्रामर कोड़े मार्क सीन एंड अनसीन एवं लिटरेचर भितर कोड़े मार्क टोटल 40 मार्क नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सबुटी जितकी डी क्वेश्चन सती ही मार्क सम प्रत्येक क्वेश्चन पे गोटी मार्क निर्धारण करा दी छ तापर हम जीवा ग्रुप बी रे हमरो कह जाउ छे फोर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री 40 टू 50 वर्ड्स ईच फोर आउट ऑफ 8 एठी कोआ देउची प्रोज एवं पोएट्री रो 2 मार्क के क्वेश्चन आसीबो 8टी क्वेश्चन तादरु तुमको 4टी क्वेश्चन आंसर करिये को पड़िबो फेर त ता केबे एकाठी न आसी पारे कारण एकाठी आसीले पिला कोनोसे गोटे साइड रो बेनिफिट नै जाई परंती तंकरी एठी दुईटा भाग रे विभक्त होबो ग्रुप बी रे 2 नंबर 1 नंबर कला ग्रुप ए रे 2 नंबर जो रहबो से क ख भाबे रहबो क रे प्रोज रो 4टा क्वेश्चन ख रे पोएट्री रो 4टा क्वेश्चन रोज चार्टा क्वेश्चन तुमको दुईटा करियो पड़ियो पोएट्री चार्टा क्वेश्चन रो दुईटा करियो पड़ियो प्रत्येक पाई अछि 2 मार्क शब्द निर्धारण कराय छि 40 रु 50 शब्द मिनिमम 40 वर्ड्स मैक्सिमम 50 वर्ड्स आरे भितने ही तमे तुम्हारो प्रश्न रो आंसर को उपस्थापन करियो अर्थात लिखियो कि नाम यानी छे एमएन संस्कृत रे आमे संस्कृत भाषा रे लिखियो जो माने सीबीएसई पास आउट बा देवनागरी अक्षर सहित एक्वेंटेड थिबे से माने देवनागरी अक्षर रे आंसर करिवे अन्य पिला माने ओडिया अक्षर संस्कृत भाषा रे प्रत्येक प्रश्न रो उत्तर देबा को बाध्य तले ही 2 चौ 8 मार्क हमर गला ग्रुप बी रे तापरे ग्रुप सी गुजिबा ग्रुप सी रे हमर रहला ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स इनटू ओडिया और इंग्लिश फ्रॉम पोएट्री एथेरे गुटी 5 मार्क फेर दुईटा श्लोक पढ़ी तादर तुम गोटे श्लोक अनुवाद कर परीक्षा गोटे ही श्लोक पढ़ला डिरेक्शन रहा ओडिया इंग्राजी अनुवाद करने जो मैंने इंग्लीश लिखी पारे से इंग्लीश अनुवाद करेंगे जो मैंने बीएससी बोर्ड ओडिया मीडियम परीक्षा दे मैट्रिक पास कर श्लोक ओडिया अनुवाद करेंगे पूरा पेल ओडिया भाषा तुमको ये रहा 5 मार्क गोटे श्लोक पढ़व एठारे गद्य रु अनुवाद पढ़ा ना केवल पद्य रु एवं ता परवर्ती क्वेश्चन रहइबो ट्रांसलेशन ऑफ अन अनसीन ओडिया और इंग्लिश पैसेज टू संस्कृत एठी 5 मार्क बेले बेले एठी 6टी बा 7टी वाक्य दे दीथिबो तादरु 5टी वाक्य रे तमे ओडिया बा इंग्लिश दे दीथिबो ताकु तमे संस्कृत रे अनुवाद करिवो ओडिया अक्षर संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि रे मध्ये लिखि परिवो बेले बेले जहाँ डिरेक्शन रोचे पैसेज रहिबो गोटे पैसेज देव जो पैसेज सरल सरल वाक्य पांचटी थिबो एवं से वाक्य तुम संस्कृत रे अनुवाद करिवो 5 मार्क अछि सेति पई एवं ता परवर्ती क्वेश्चन हेउछि प्रेसी राइटिंग और 1/3 ऑफ अनसीन पैसेज तले गोटे अनसीन पैसेज थिबो संस्कृत तुम विषय बाहर आसिबो जहाँ को तुम पढ़ी ताहा को 1/3 जति को वर्ड तादर यूज करा जाय थिबो तार 1/3 वर्ड को यूज करी व्यवहार करी तुम्हें तुम प्रेसी राइटिंग करिवो
अर्थात विषय संक्षिप्तीकरण जहाँ कह पंचमान निर्धारण अच्छे आगुरी जहाँ पुराणा पैटर्न दस मार्क था तुम सरलीकरण व्यवस्था कर दी जेहतु अंशी तेनालीर पांच मार्क रखा जाए तुम्हारे थ्री सब क्वेश्चन फ्रम प्रोज एंड पोएट्री 60 to 80 वर्ड्स इच थ्री आउट ऑफ फाइव एठी तुम्हें बेनिफिट जिनस रहा कारण टोटल प्रोज और पोएट्री क्वेश्चन मिसिक पड़ो पांचटी तुम्हें तरह करोटी एवं प्रति क्वेश्चन तीन मार्क अर्थात प्रोज क्वेश्चन पोएट्री क्वेश्चन मिसिक पांचटी क्वेश्चन जहाद्वे तुम कत उत्तर लिख प्रति क्वेश्चन रहा 60 to 80 वर्ड्स 60 to 80 शब्द भितर तार उत्तर लिख ओडिया अक्षर संस्कृत भाषा व देवनागरी लिपि मार्क प्रति प्रश्न रहा तीन मार्क क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेनिफिट रहा दुईटा एवं गोटे भल बेनिफिट रहा प्रोज पोएट्री मिसिक तेनाली जो क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रोज रो पोएट्री हो भल से प्रश्न आंसर टी 60 to 80 शब्द भितर लिखि तार मार्क को निज पाख को ने प्रयत्न कर शेष क्वेश्चन कम्प्रिहेंशन 1 pages फ्रम टेक्स्ट 9 to 16 जहां मुझे अनुच्छेद पर्सन 9 to 16 जहाँ अच्छे सेकेंड इयर पर उद्देश्य भितर गोटे अनुच्छेद रही अनुच्छेद प्रश्न पत्र दि जाइए अनुच्छेद तले क्वेश्चन गोटे बा दुईटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सहित रमु कि पड़े तरह 4 क्वेश्चन एवं प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क निर्धारण अच्छे 2 to 8 मार्क यही भाव में देखने ग्रुप ए रे रहा 40 मार्क ग्रुप बी रे रहा 8 मार्क एवं ग्रुप सी रे रहा 32 मार्क टोटल यही 80 मार्क परीक्षा ए 80 मार्क परीक्षा रु कि 80 to 80 पाइबा से आम प्रयत्न रहा दरकार हिमालय संस्कृत रे ए चैनल तुम मान 80 to 80 पाइबापी जो व्यवस्था गत वर्ष कर वर्ष 100 to 100 पाइबापी व्यवस्था कर बहुत भल मार्क एवं कम्प्लीमेंट्स से चैनल को देखते ठीक से तुम मानी आगामी दिन रे 20 मार्क असेसमेंट पर्सन डिस्कशन हो डाउट क्लियर क्लास लाइव क्लास हम एवं 80 मार्क पर्सन तर डिटेल्स डिस्कशन एवं सिलेक्शन डिस्कशन आगामी दिन रे चैनल तरफ करा जीवो तमाने चैनल को रेगुलर देखु यार साहय ने 80 मार्क पर्सन सिलेक्शन डिस्कशन परे परीक्षार किसी दिन अव्यवहित पूर्व लाइव डाउट क्लियर क्लास दिजिव तुम जी देखु तुम सांगसाथी मान चैनल रहा नापी सेयार करमें निजे सांगसाथी मान इनफर्मेसन पाइव केत लाइव क्लास कौ दिन रोचे एवं से लाइव क्लास तुम निजे तुम कौन प्रकार डाउट थे परीक्षा सम्बन्धी कौन प्रश्न डाउट थे तुमने पचारि तार उत्तर मोठर नहींजीव एवं जहाँकि तुम आगामी दिन में बहुत भल मार्क पाई कैरियर गढ़वे एवं संस्कृत नहीं कि सफल होवे भल मार्क मन को खुशी करहायक हो मोर आशा विश्वास धन्यवाद।